हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सक्सेस ट्री। माय नेम इज़ हरमिंदर सिंह। तो गाइस, आज का जो लेक्चर है ये जनरल साइंस का फोर्थ लेक्चर है और इसका जो टॉपिक है वो है ह्यूमन डिजीजेस। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने ह्यूमन डिजीजेस को डिस्कस करा था और आज हम न्यू टॉपिक्स करेंगे डिजीज के बारे में। ये सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल्स। तो देखते हैं आज के लेक्चर में क्या है। तो बायोमोलिक्यूल्स का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? ये होते हैं सब्सटेंसेस जो कि बहुत ही असेंशियल होते हैं फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी। तो इसमें हम कंसिडर करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, न्यूक्लिक एसिड्स को और विटामिन्स। ओके, तो वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करेंगे। तो ये बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स। तो गाइज, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, हमने पहले भी साइंस में डिस्कस करा था दैट दीज आर द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ पर क्या है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ये रेशियो होती है, ये देखिए 1:2:1। अब लेकिन यहाँ इसमें क्या था कि ये देखिए, अब स्टार्च में तो यहाँ पर आ गया एक्सेप्शन आ गया, इसका तो फॉर्मूला इस रेशियो के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी इसमें एक्सेप्शन थी। तो इस पुरानी जो डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया, तो उसके बाद जो न्यू डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न डेफिनेशन, दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और देयर डेरिवेटिव्स। तो अब यहां पर गाइस ये दो न्यू वर्ड्स आ गए हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो कीटोन्स जो हैं और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स, और ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं। तो इसका मीनिंग ये होता है कि इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो मोर देन टू होता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा होने की वजह से इसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। ओके, और कीटोन जो है, कीटोन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सपोज हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। तो अगर हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही, ओके, तो तब क्या होता है कि बॉडी में जो फैट है वो एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होना शुरू हो जाती है। नॉर्मली हम ग्लूकोज को यूज करते हैं, लेकिन अगर हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन नहीं जनरेट हो रही, तो बॉडी जो है वो फैट को यूज करना शुरू कर देती है। तो लिवर जो है वो फैट को कन्वर्ट करता है किसमें? कीटोन्स में। ओके, तो दीज आर ए टाइप ऑफ एसिड। तो अब उसमें कन्वर्ट हो गया, फिर ये मूव कर जाएगा ब्लड में। तो ब्लड में चला जाएगा, तो ब्लड के लिए ये ब्लड को भी एसिडिक कर देगा, तो ये ज़्यादा ब्लड के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए जैसे हम कहते हैं कि ज़्यादा फ्लूड जो है, जो वाटर है वो इनटेक होना चाहिए, ज़्यादा वाटर पीना चाहिए। तो उससे क्या होगा, वाटर इनटेक से क्या होगा कि जो कीटोन्स हैं वो बॉडी में से रिमूव हो जाएंगे, वो फ्लश आउट हो जाएंगे। तो ये कीटोन का पर्पस है। तो अब यहाँ पर इसके जो डेरिवेटिव हैं, ठीक है, तो ये सारे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और देयर डेरिवेटिव, तो ये सभी जो हैं इसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, द मेन एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन क्या है? ग्लूकोज। अल्टीमेट जो प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज है, जिसको हम ब्लड शुगर कहते हैं। तो इसकी ऑक्सीडेशन होती है, जो हमें पता है सेल्स में, जो हमने रेस्पिरेशन का प्रोसेस करा था, एरोबिक रेस्पिरेशन की हमने पहले भी लास्ट लेक्चर में बात करी थी, तो उसमें भी बनता है CO2 एंड H2O। क्यों? क्योंकि उसमें ग्लूकोज जो है, इट अंडरगोज एरोबिक रेस्पिरेशन, ये पहले पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ये CO2 एंड H2O के साथ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ATP, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। ओके, तो ये है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स जो है, इनकी टाइप्स होती हैं, थ्री टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, थ्री टाइप्स हैं। तो गाइज, ये ज़्यादा डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है। सबसे जो बेसिक है वो मोनोसैकेराइड है, ये सिंपल शुगर है। सिंपल शुगर का मीनिंग ये है कि अब यहाँ पर लिखा है विच कैनॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर। तो इसको आप इजीली ऐसे समझिए कि इसको फर्दर ब्रेक नहीं करा जा सकता, ये बिल्कुल बेसिक यूनिट होता है एक तरह से, जैसे राइबोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। तो ह्यूमन बींग्स में ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है? 100 से 200 mg/mL। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो कहाँ पे जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में इन द लिवर। तो ये प्रोसेस भी हमने पहले पढ़ी हुई है, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। अब ये हो गया ग्लाइकोजेनेसिस। तो
एक यहां पर पॉइंट और भी है कि डी फ्रक्टोज जो है इट इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर्स, तो ये कहां पे मिलता है, फ्रूट जूस में, हनी में ये प्रेजेंट होता है। तो ये पॉइंट जो है वो आपको याद रखने हैं। मोनोसेक्राइड्स बिल्कुल सिंपल शुगर्स हैं, इसकी एग्जांपल्स आपको याद रखनी है, राइबोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इसका नॉर्मल लेवल, किसमें ये कन्वर्ट होता है, कहाँ पे कन्वर्ट होता है, और प्रोसेस का नाम क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस। उसके बाद है डी फ्रक्टोज, ये भी आपको याद रह जाएगा। तो उसके बाद है हमारे पास जो सेकेंड टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स की, उसको हम कहते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 to 10 मोनोसेक्राइड से मिलकर ये बना होता है। तो अब इसमें ये देखिए यहाँ पर, तो सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, इसकी जो एग्जांपल्स हैं ये आपको याद रखनी है। ओके गाइस, तो ये देखिए, दे रिलीज 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस लाइक डाइसेक्राइड्स। तो अब यहां पर क्या है कि ये देखिए, अगर डाइसेक्राइड का मीनिंग क्या है, तो मोनो में जैसे सिंगल यूनिट होगा, तो यहां पर डाइसेक्राइड में 2 हो गया, तो इसकी एग्जाम्पल दे रखी है। तो ये 2 to 10 मोनोसेक्राइड से ये बन सकता है। तो ये जो है सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, ये ओलिगोसेक्राइड्स की क्या है, ये एग्जांपल्स हैं। तो अब देखिए फर्दर क्या है, सुक्रोज इज आल्सो कॉल्ड इनवर्ट शुगर, इट गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज व्हेन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस। तो लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास है पॉलीसेक्राइड्स। अब पॉलीसेक्राइड का मीनिंग क्या है, तो ये बिल्कुल सिंपल है कि जैसे हमने यहां पे पढ़ा था 2 to 10, तो यहां पर क्या होगा, मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। वो ब्रेकडाउन पे मोनोसेक्राइड्स अगर हम देखें तो वो मोर देन 10 बनेंगे। तो दीज आर नॉन शुगर्स। अब नॉन शुगर्स हैं, व्हाई, बिकॉज दे डू नॉट हैव स्वीट टेस्ट। तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा नॉन शुगर है, तो ये आपको पता होना चाहिए, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च। तो सेलुलोज जो है वो सेल वॉल में, यानी कि जो प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल में भी प्रेजेंट होता है। तो ह्यूमंस में ये डाइजेस्ट नहीं होता, ये रफिज का काम करता है सेलुलोज। और एनिमल्स में से कौन इनको डाइजेस्ट करते हैं, रूमिनेंट्स। अब रूमिनेंट जो ये यूज होती है कैटल में, जैसे ये काओ, गोट, बफेलो है, तो इनको रूमिनेंट्स क्यों कहते हैं, तो आपने देखा होगा कि कैटल जो होते हैं, ये जो काओ है, बफेलो है, तो एक बार वो जब ग्रास को इंजेस्ट कर लेते हैं, वो खा लेते हैं उनको, तो आफ्टर दैट उस ग्रास की रीजर्जिटेशन होती है, उस फूड की रीजर्जिटेशन। रीजर्जिटेशन का मीनिंग है कि वो जो फूड होता है वो दोबारा उसके माउथ में आता है, तो वो उसको दोबारा च्यू करती है, चबाती है, तो उस प्रोसेस को रीजर्जिटेशन कहते हैं, जब वो फूड वापस आता है। तो ये जो प्रोसेस है ये रूमिनेंट्स में होती है, यानी कि कैटल में। तो ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं, लेकिन ह्यूमंस में ये डाइजेस्ट नहीं होता है। तो सेलुलोज कहां पे पाई जाती है, प्लांट सेल वॉल। तो ये जो सिंपल पॉइंट है आपको वो याद रखने हैं। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पता है आपको, प्रोवाइड एनर्जी या फिर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि डीएनए और आरएनए, उसमें भी ये कंपोनेंट होता है, ठीक है। और एंड फॉर्म एक्सोस्केलेटन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स में ये एक्सोस्केलेटन बना सकता है। और एक्सेसिव इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या कर सकते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स एंड ओबेसिटी, ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, तो इस पे तो क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन ये देखिए, ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके फंक्शन क्या है, तो इस पे क्वेश्चन बड़े आराम से आ सकता है। दे प्रोवाइड एनर्जी एंड दे हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब चलते हैं प्रोटीन की बात करते हैं। तो गाइस, पहले जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जब उसमें नाइट्रोजन एंड सल्फर ऐड हो गया तो वो बन जाएगा प्रोटीन। तो बस आपने ये याद रखना है कि एडिशन क्या हुई है, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो गाइस, दे फॉर्म 15% पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, 15% पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस स्नेक वेनम, रेसिन ऑफ कैस्टर एंड बैक्टीरियल टॉक्सिन, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसमें इनकी जो नेचर है वो प्रोटीनेशियस है, वो प्रोटीन से बने होते हैं। स्नेक वेनम भी इसी से बना होता है। और उसके अलावा हमारे पास है जो मेन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स हैं। अब मेन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आप इसको पढ़िए क्या है, ग्राउंड नट है, और इसके अलावा क्या है हमारे पास, सोयाबीन है, पल्सेस है, तो फिश है, तो ये सारा कुछ, ये किसके सोर्स हैं, ये प्रोटीन के सोर्स हैं। तो ये जो है यहां तक ये जो सेकंड पॉइंट है ना, इसका मीनिंग एक्चुअल में ये है कि मोस्ट ऑफ द जो टॉक्सिन्स हैं वो किससे बने होते हैं, वो प्रोटीन से बने होते हैं। अगर हम राइसिन की बात करें तो ये एक प्लांट है, कैस्टर प्लांट,
उसमें से बड़ा स्ट्रॉन्ग टॉक्सिन्स निकलते हैं, तो वो भी प्रोटीनेश नेचर होते हैं, तो ये इसका मीनिंग है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा। तो जो सीड्स होते हैं उस प्लांट की, उसमें ये प्रेजेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब फंक्शन ऑफ प्रोटीन क्या है। हमें पता है कि ये बॉडी को ग्रोथ एंड रिपेयर प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं या जो फिटनेस के बारे में काफ़ी ज़्यादा अवेयर है, तो उनमें उनकी डाइट में प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होता है। वाई? बिकॉज इट कॉन्ट्रीब्यूट्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। अब क्या हुआ कि इसकी डेफिशिएंसी हुई। अब डेफिशिएंसी जो है, तो यहां पर देखिए, इन द डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट दीज एक्ट एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो प्रोटीन आल्सो कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स। अब इसका मीनिंग ये है कि अगर आपको कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी है, तो उस टाइम पे ये सोर्स ऑफ एनर्जी भी प्रोवाइड कर सकता है, सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह ये एक्ट करेगा। अब लेकिन अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो डिजीजेज कौन सी हैं? कवाश्योरकर एंड मेरेस्मस। तो ये बड़ी कॉमन, हम इसको कहेंगे कि बहुत बार हमने सुना भी होगा, ये जो डिजीजेज हैं तो थर्ड वर्ल्ड यानी कि जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं। वाई? बिकॉज वहाँ पर जो फूड है उसकी बहुत ज़्यादा अनअवेलेबिलिटी है, वहाँ पर फूड नहीं है, जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है उनके पास एडिक्वेट डाइट नहीं है। तो कवाश्योरकर एंड मेरेस्मस, तो ये जो पिक्चर है, ये जो चाइल्ड है, तो ही सफरिंग फ्रॉम कवाश्योरकर। ओके, तो मरेसमस में क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पर पोर्ट बेली है, तो जो स्टमक है वो प्रोट्यूडेड होता है। मरेसमस में क्या होता है कि लॉस ऑफ मसल्स हो जाते हैं, बहुत वीक स्ट्रक्चर बन जाता है बॉडी का। ओके, तो सेकंड मेजर डिफरेंस इज कवाश्योरकर अकर्स इन चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 5 ईयर्स ऑफ एज एंड मरेसमस इन चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर। तो ये भी एक मेन डिफरेंस है इन दोनों में। तो फंक्शन ऑफ प्रोटीन ग्रोथ एंड रिपेयर, और इसकी डेफिशिएंसी से कवाश्योरकर एंड मरेस्मस। तो यू हैव टू रिमेंबर बोथ दीज डिजीजेस। ओके, तो इसके ऊपर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं, तो ये देखिए लिपिड्स। अब फैट्स की बात होगी, तो गाइज इसमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एंड इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, सेल वॉल ये यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और सोर्स देखिए इसका, सोर्स आपको पता होगा घी, बटर, एलमंड, चीज, तो ऑल ऑफ दीज आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लिपिड्स और फैट्स, एंड दे आर डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम्स लाइपेसिस। तो गाइस यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम लाइपेसिस, ये एंजाइम का नाम है। ओके, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दे डाइजेस्ट फैट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम हमने डिस्कस करा था। तो एट 20 डिग्री these are in solid state, but if their state is liquid at this temperature, these are termed as oils, जिसको हम कहते हैं refined oil, हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो refined oil जो है तो वो liquid होता है room temperature पे। okay, आगे चल, तो fatty acid जो है there are two types, saturated and unsaturated। okay, saturated and unsaturated। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो सोर्स है वो क्या है, देखिए कोकोनट ऑयल में इट इज प्रेजेंट और पाम ऑयल में भी होता है। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन फिश ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, ड्यू टू द एक्सेस ऑफ सैचुरेटेड फैट्स, तो लेवल ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये आपने बड़ा कॉमनली सुना होगा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है किसी पर्सन का, तो वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और ये करेगा आर्टेरियोसेक्लेरोसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। आर्टेरियोसेक्लेरोसिस का मीनिंग क्या होता है कि जो हमारी आर्टरीज हैं उसमें डिपोजिशन हो जाती है किसकी, कोलेस्ट्रॉल की। तो अब उसमें जो ल्यूमन होता है वेसल का, ल्यूमन का मीनिंग होता है कि कितनी जगह है उसमें ब्लड को पास करने के लिए। अगर हेल्दी आर्टरी है, उसमें कुछ भी डिपॉजिट नहीं है, तो उसमें क्या है कि ब्लड को फ्लो करने के लिए खुली जगह मिल जाएगी। लेकिन अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गई है, उसमें फैट डिपॉजिट हो गई है, तो उससे क्या होगा कि ब्लड को गुजरने के लिए कम जगह मिलेगी, तो वेसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी वॉल थिक हो जाती है, हार्ड हो जाती है। अब हार्ड होगी तो उससे क्या होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर रखना है, तो हमें जो आर्टरीज हैं उनकी वॉल जो है वो इलास्टिक चाहिए, इलास्टिक का मीनिंग है फ्लेक्सिबल चाहिए, ताकि वो आराम से स्ट्रेच कर सके। अब यहाँ पर वो थिक, उसमें डिपोजिशन हो गई है, वो थिक हो गई है, वो उसकी जो इलास्टिसिटी खत्म हो गई है, तो बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, तो ये आर्टेरियोसेक्लेरोसिस जो है वो कॉज करेगा।
ओके, तो दिस में लीड टू हार्ट अटैक। अब क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है बढ़ रहा है, उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है वेसल के ऊपर, तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो फंक्शंस ऑफ लिपिड्स में क्या है, दे प्रोवाइड ट्वाइस एनर्जी, तो ये एनर्जी सोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दे रिमेन अंडर द स्किन, हमें पता है ये प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। तो गाइज ये जो सिंपल पॉइंट्स हैं इनके ऊपर भी बिल्कुल आराम से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे ये बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस लग रहा है, इट इज प्रेजेंट अंडर द स्किन एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, तो ये आपको याद रखना है। तो ये कोई किसी भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट बन सकती है, इज इट ट्रू और फॉल्स कि ये लॉस ऑफ हीट जो है वो प्रिवेंट करता है या नहीं, समझ आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं विटामिंस की। तो विटामिंस जो है ये क्या है, देखिए फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एफ जी हॉपकिंस। तो हॉपकिन जो थे फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर करा था और टर्म वॉज कॉइंड बाय सी फंक, इसको कैसेमीर फंक था इनका पूरा नाम। और विटामिंस क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड इन सफिशियंट क्वांटिटीज बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो बॉडी में इसकी फॉर्मेशन नहीं होती तो हम इसको डाइट में लेते हैं। सो यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं इसके, अब देखते हैं कौन से, वन इज फैट सॉल्युबल विटामिंस एंड सेकेंड इज वाटर सॉल्युबल विटामिंस, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। तो फैट में है ए डी ई के और इसमें है विटामिन बी एंड सी वाटर सॉल्युबल। ठीक है, अब विटामिन जो B12 है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, विटामिन डी इज सिंथेसाइज इन अवर स्किन बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। तो जैसे कहते हैं कि धूप में बैठना चाहिए कि उससे विटामिन डी मिलता है, तो उसका ये रीजन है कि वो सिंथेसाइज करती है हमारी स्किन विटामिन डी जब हम सनलाइट में होते हैं। एंड विटामिन के जो है इट इज सिंथेसाइज इन अवर कॉलन बाय द बैक्टीरिया। ओके, तो ये हमारे गट में डाइजेस्टिव सिस्टम में बनते हैं, कॉलन में बनते हैं बाय द बैक्टीरिया विटामिन के। ओके, जिसका क्लॉटिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वन बाय वन तो चलिए जो यहाँ पर टेबल देखिए, तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो गाइज ये यहाँ पर ए डी ई के, तो जो फर्स्ट पार्ट है ये आपको याद रखना है। देखिए तो यहाँ पर विटामिन का नाम है, तो उसके बाद केमिकल नेम इसका क्या है, देन डेफिशिएंसी डिजीज इसकी क्या है वो है। तो विटामिन ए जो है, देखिए इसका जो केमिकल नेम इज रेटिनोल, तो ये आई साइट से भी रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है कि इनमें से कौन सा जो विटामिन है वो आई साइट से रिलेटेड है। ये देखिए रेटिनोल, इसको इसका केमिकल नेम है विटामिन ए, एंड इट्स डेफिशिएंसी कैन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस एंड केराटोमेलेशिया, यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स। सेकेंड इज विटामिन डी कैल्सिफिरोल, तो गाइज आपको इनके केमिकल नेम अच्छे से याद करने हैं, बिकॉज उसमें कई बार सिंपली क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइलोक्विनोन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन, ये क्वेश्चन सिंपल आ सकता है। ओके, राइबोफ्लेविन किसको कहते हैं, तो ऐसा पूछा जा सकता है। सो यहाँ पर विटामिन ई जो है टोकोफिरोल जो है, तो यहाँ पर ये कॉज क्या कर सकता है, इनफर्टिलिटी, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो रही है तो इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। इट मींस जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो कम हो सकती है पर्सन की, अगर उसमें विटामिन ई जो है वो उसको नहीं मिल रहा। और ये किस में ज़्यादा होता है, ये रिफाइंड में ज़्यादा होता है, रिफाइंड ऑयल्स में काफ़ी ज़्यादा, जिसको हम वेजिटेबल ऑयल भी कह देते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद विटामिन के जो है फाइलोक्विनोन, तो इट इज़ नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड से भी रिलेटेड है ये। तो देन आफ्टर देन विटामिन B1, B2, B3, तो इसमें है थायमिन। तो डिजीज़ का नाम जो है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तो इसके ऊपर बड़े आराम से क्वेश्चन बन सकता है। तो दैट इज विटामिन B5, B6, B7, B9, तो ये सभी के केमिकल्स नेम है, पेंटोथेनिक एसिड, पायरेडॉक्सिन, बायोटिन, फॉलिक एसिड। तो गाइज इनमें से ये जो टाइप्स ऑफ अनीमिया है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, परनीशियस अनीमिया, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको अच्छे से याद करना है कि साइनोकोबालामिन। अब जैसे एक क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता है कि साइनोकोबालामिन किसका केमिकल नेम है, तो विटामिन B12 ये आपको याद रखना है, क्या कॉज करता है परनीशियस एनीमिया। और ये जो है विटामिन सी, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है, तो इसका जो केमिकल नेम है, और इसको सेलर्स डिजीज भी कहते हैं, इसको स्कर्वी। तो गाइज स्कर्वी इज रिलेटेड टू अवर गम्स, तो गम्स जो है उसमें ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है गम, आई होप आपको समझ आ रहा होगा।
कि जो आपके टीथ हैं उसके ऊपर जो पार्ट है उसको हम गम्स कहते हैं, तो उसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो इट इज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। ओके, अब हमने विटामिन से रिलेटेड डिजीज करी हैं, अब हम बात करेंगे जेनेटिक डिजीजेज की। अब जेनेटिक डिजीजेज होती क्या हैं? अब जेनेटिक वर्ड से आपको समझ आ गया होगा, जो जिसका जो रिलेशन है वो हमारे डीएनए से है, हमारे जीनोम से है, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ते हैं क्या है। हेल्थ प्रॉब्लम है कॉज बाय वन और मोर एबनॉर्मेलिटीज। एबनॉर्मेलिटीज का मीनिंग है कि कोई चेंज आ गई है किसमें, जीनोम में। तो जीनोम क्या है हम अभी बात करेंगे। इट कैन बी कॉज बाय अ म्यूटेशन इन ए सिंगल जीन, तो म्यूटेशन की भी बात करेंगे, इन ए सिंगल जीन जिसको हम मोनोजेनिक कहेंगे, अगर वो मल्टीपल जीन्स में है तो उसको कहेंगे पॉलीजेनिक। ओके, और बाय अ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। अब इसका मीनिंग क्या है, देखो फ्रेंड्स, जीनोम का मीनिंग होता है कि हमारा जो बॉडी है उसमें टोटल जेनेटिक मटीरियल, जो हमारे अंदर डीएनए है टोटल कंप्लीट सेट, हम उसको कहते हैं जेनेटिक मटीरियल को जीनोम। ओके, अगर उसमें कोई अल्टरेशन या चेंज आ जाती है उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। ओके, तो डीएनए में हमने जीन भी पढ़ा था, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम है उसमें डीएनए होता है, डीएनए में फर्दर जीन होता है। तो गाइस, अगर किसी सिंगल जीन में चेंज है तो मोनोजेनिक म्यूटेशन, मल्टीपल जीन्स में है तो पॉलीजेनिक। तो म्यूटेशन क्या हो गया फिर, कोई अल्टरेशन होगी, कोई चेंज होगी किसके जीनोम में, किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में या किसी वायरस के जीनोम में। तो गाइस आपको ये याद रखना है, वायरस में भी डीएनए होता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का मीनिंग क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का मीनिंग ये है कि अब यहाँ पर हमने म्यूटेशन की बात करी है, तो म्यूटेशन किसी जीन में हो रही है, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मीनिंग ये है कि हमारी न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्म में भी जीन होते हैं। कहाँ पे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में, तो सम जीन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर उसमें चेंज हो रही है तो उसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हम कह सकते हैं। ओके गाइज, तो अब ये देखते हैं हम क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर। तो यहाँ पर जीनोम हमने समझ लिया कि जो हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल है उसको कहते हैं, अगर उसमें कोई चेंज आती है उसको हम म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। तो इनकी बात करेंगे हम, चलिए सबसे पहले देखिए। तो गाइज यहाँ पर हमारे पास ये टेबल जो है, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो ये क्या है, ये दो टर्म्स हैं जो आपने कई बार सुनी होगी, डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड सेल। तो ये है क्या, तो गाइज ये आपको अच्छे से समझना है कि जो डिप्लॉयड सेल होते हैं, हमारी बॉडी का कोई भी सेल जो है वो क्या है, वो डिप्लॉयड सेल है। डिप्लॉयड सेल का मीनिंग क्या है, विच कंटेन्स टू कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो गाइज नॉर्मली होता क्या है कि हमारे हर सेल में जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो इसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इट मींस टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए हैं, 46। ओके, इधर बात करें हैप्लॉयड में क्या होता है, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इट मींस इसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम होंगे। और गाइस जो हैप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं, दे आर प्रेजेंट ओनली इन सेक्सुअल सेल्स, यानी कि स्पर्म एंड ओवम। जो मेल सेक्स सेल होते हैं उसको हम कहते हैं स्पर्म, और जो फीमेल सेक्स सेल होते हैं उसको हम कहते हैं ओवम। ओके, तो इनमें ये जो सेल होते हैं इनमें हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है, यानी कि 23 क्रोमोसोम। बाकी बॉडी के जितने भी सेल हैं उसमें क्या होती है, 46 क्रोमोसोम, यानी कि टू कंप्लीट सेट। ओके, तो यानी कि 23 सेट होंगे, हर सेट में दो क्रोमोसोम होंगे, इधर ओनली 23 क्रोमोसोम, तो उसका जो कॉपी है वो नहीं होगा, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। इसमें जो डिवीजन है उसकी वो माइटोसिस प्रोसेस से होगी। ओके, तो यानी कि इसमें एग्जैक्ट रेप्लिका उसका बन जाएगा, यानी कि उसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा, ठीक है। तो माइटोसिस होगा, मेकिंग डॉटर सेल्स दैट आर एग्जैक्ट रेप्लिकास। तो गाइज इधर हैप्लॉयड सेल में क्या होता है, मियोसिस प्रोसेस होगा, जिसमें कि कोई भी सेल डिवीजन है, जिस इन विच डिप्लॉयड सेल डिवाइड टू गिव राइज टू हैप्लॉयड जर्म सेल। ओके, तो नेक्स्ट जो डायग्राम होगी उसमें आपको ये समझ आ जाएगा। तो आपने अभी क्या याद रखना है, ऑल द बॉडी सेल्स आर डिप्लॉयड, ओनली सेक्स सेल्स आर हैप्लॉयड। तो यानी कि स्पर्म एंड ओवम जो है वो, जिसको हम गैमीट्स भी कहते हैं, वो है हैप्लॉयड। बाकी के जो बॉडी सेल्स हैं दे आर डिप्लॉयड। तो इसमें डिवीजन होती है माइटोसिस से, तो इधर होती है मियोसिस। ओके, अब देखिए, अब
अभी हमने बात करी है कि जो सेक्सुअल सेल होते हैं वो होते हैं हैप्लॉयड। तो देखिए फीमेल्स में पहले बनता है प्राइमरी ओवोसाइट, तो जब वो फर्दर डिवाइड होता है तो वो सेकेंडरी ओवोसाइट, जिसको हम मियोसिस, यहाँ पे मियोसिस वन है, मियोसिस टू है, ठीक है। तो जो फर्दर यहाँ पर डिवीजन हो रही है, यहाँ पर आकर वो बनेगा हैप्लॉयड सेल। ये देखिए पहले वो डिप्लॉयड सेल होगा प्राइमरी ओवोसाइट, वो फर्दर डिवाइड होगा सेकेंडरी ओवोसाइट में, तो वो हैप्लॉयड होगा। ये देखिए यहाँ पर 2n लिखा हुआ, इसका मीनिंग क्या है कि टू सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इसके फर्दर जो डिवीजन हो रही है ये हैप्लॉयड सेल्स बन रहे हैं। अल्टीमेटली इसमें से ये बन गया ओवम, ओके ओवम। लेकिन इधर क्या है, इधर हमारे पास देखिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पर भी ऐसे ही है मेल्स में कि 2n है, यानी कि डिप्लॉयड सेल है, फर्दर उसकी डिवीजन हुई है, तो यहाँ पर हैप्लॉयड सेल बन गए हैं। ये उसकी स्टेजेस हैं, पहले प्राइमरी ओवोसाइट, सेकेंडरी ओवोसाइट। ओवोसाइट क्यों लिखा, क्योंकि ये ओवम बनेगा। इधर स्पर्मेटोसाइट क्यों लिखा, क्योंकि अल्टीमेटली हमने स्पर्म यहाँ पर बनेगा, स्पर्म बनाना है यहाँ पे, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फर्दर ये क्या बन गए, स्पर्मेटिड, और फर्दर उसके आगे फिर डेवलप हुए ये स्पर्म में। ओके गाइस, तो आपको बस ये याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि ये जो सेल्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, तो ये हैप्लॉयड सेल होते हैं। ओके, इसमें वन सेट ऑफ, आगे देखते हैं। तो अभी हम कुछ डिजीज के नाम करेंगे, आपको ना सिंपली ये याद रखना है। जैसे फर्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि जैसे फीमेल है, अच्छा एक पॉइंट मैं आपको और इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी हमने बात करी है कि ये सेल्स होते हैं, तो जब वो स्पर्म एंड ओवम, अब दोनों जो हैं हैप्लॉयड सेल हैं, स्पर्म भी ओवम भी, तो उसमें 23 क्रोमोसोम होंगे। जब वो फ्यूज कर जाएंगे तो मिलकर वो जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जाइगोट, तो वो डिप्लॉयड होगा, उसमें 46 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। तो अब 46 क्रोमोसोम में से 44 जो हैं, 44 जो हैं वो हैं ऑटोसोम्स, ओके। और जो लास्ट में दो क्रोमोसोम होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ओके। अब यहाँ पर देखिए टर्नर सिंड्रोम में जो लास्ट जो क्रोमोसोम होते हैं दो, ओके, जो लास्ट में एक्स या वाई हो सकते हैं, वो अगर फीमेल है तो उसमें दोनों वो एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे, अगर वो मेल है तो जो लास्ट में 45th एंड 46th क्रोमोसोम है वो एक्स एंड वाई होंगे। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ कि स्पर्म एंड ओवम जो है वो क्या है, वो हैप्लॉयड सेल है, यानी कि दोनों में 23 क्रोमोसोम है, वो फ्यूज कर गए तो जाइगोट बन गया एक, जिसमें 46 क्रोमोसोम होंगे। उस 46 क्रोमोसोम में से 44 जो हैं वो नॉर्मल क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, और जो 2 होंगे लास्ट में वो क्या होंगे, वो होंगे सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब वो जो सेक्स क्रोमोसोम है तो वो फीमेल में दोनों एक्स होंगे, एक्स एक्स, ठीक है, और मेल्स में होंगे एक एक्स और एक वाई, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि गर्ल्स में होने चाहिए दोनों एक्स एक्स, लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम तब होता है जब दो एक्स में से एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है, देन इट रिजल्ट्स इनटू टर्नर सिंड्रोम। ओके गाइस, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये जो पेशेंट होंगे इनमें हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, थायराइड ढंग से काम नहीं कर रहा होगा, इनफर्टाइल होते हैं ये, इनफर्टिलिटी होती है इनमें, तो ये फर्दर यंग बंस नहीं प्रोड्यूस कर सकते, इनको कार्डियक प्रॉब्लम होती है, स्मॉल जॉ बोन होती है, तो इनमें लिम्फ सिस्टम का भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो बस आपको याद क्या रखना है कि फीमेल्स में वन एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है तब हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। ये देखिए डाउन सिंड्रोम में क्या है, डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम 21 जो है उसमें चेंज आ जाती है, ओके। ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये देखिए यहां पर ये जो पेशेंट है ये डाउन सिंड्रोम का है, तो यहां पर इसमें क्रोमोसोम 21 में जेनेटिक चेंज आ जाएगी, तो म्यूटेशन हो जाएगी, तो उसको हम कहेंगे डाउन सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में था कि एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग था फीमेल्स में, डाउन सिंड्रोम में क्या हुआ कि क्रोमोसोम 21 पे चेंज आ गई है। वन मोर सिंड्रोम इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें ये कंडीशन होती है गाइस, एक्स एक्स वाई, इसका मीनिंग क्या है कि जो मेल है उसमें नॉर्मली एक्स वाई होता है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स जो है वो एक्स्ट्रा आ जाता है,
ठीक है, तो ए जेनेटिक कंडीशन इन विच ए मेल इज बॉर्न विद एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोजोम। ठीक है, तो आपको बिल्कुल सिंपली याद रखना कि कौन सी क्रोमोजोम पे क्या म्यूटेशन हो रही है, क्या चेंज हो रही है। ठीक है, इसमें क्रोमोजोम 21 और यहां पर देखिए क्या एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोजोम आ गई है। नेक्स्ट देखते हैं, तो गाइस नेक्स्ट हम जो डिजीज करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर वो है ल्यूकीमिया। तो अब इसमें हमने बात करनी है कि ल्यूकीमिया जो डिजीज है उसमें क्या होती है। गाइस ये हमारी की नॉर्मल बोन है, जैसे ये हमारी थाई बोन है अगर हम नॉर्मली बात करें, तो सपोज ये हमारी थाई बोन है। हमारी बोन के टू पार्ट्स होते हैं, आउटर साइड पे इसको कम्पैक्ट बोन कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ना बिल्कुल ये हार्ड मटेरियल होता है। ये देखिए यहाँ पर ऑस्टियोसाइट्स यानी कि जो बोन के सेल्स होते हैं ये बाहर है, लेकिन ये जो अंदर का पार्ट है ये देखिए ये वाला, तो ये तो बड़ा पोरस है। पोरस का मीनिंग क्या है, क्योंकि इसमें ये जो सेल्स हैं जैसे बोन मैरो सेल्स हैं, इसमें बोन मैरो है, इसको स्पॉन्जी बोन कहते हैं। ये पोरस बोन होती है, बाहर जो है बड़ी हार्ड होती है, तो इसको कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। इसी पोरस बोन में सेंटर में ये जो वेसल्स भी फ्लो करती हैं, ये देखिए। ठीक है, तो आपने क्या यहाँ पे समझना है, ये नॉर्मल बोन है, बाहर का पार्ट कॉम्पैक्ट बोन है, अंदर का पार्ट स्पॉन्जी बोन है, और इसमें ये वेसल्स जो हैं ऐसे फ्लो करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं। और ये बोन मैरो क्या करती है, ये देखिए ये सारे के सारे ये जो साइड पर सेल्स बता रखे हैं ये कहाँ पर बनते हैं, बोन मैरो में। ठीक है, तो ये देखिए रेड ब्लड सेल बनते हैं, वाइट ब्लड सेल बनते हैं, प्लेटलेट्स जो सारे इस बोन मैरो में बनते हैं। तो गाइस जब इस बोन मैरो की फंक्शनिंग इम्पेयर हो जाए, खराब हो जाए, तब होता है ल्यूकीमिया। द डिजीज कॉज्ड बाय द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बोन मैरो इज नोन एज ल्यूकीमिया। ओके, तो हियर इज द डिजीज, ल्यूकीमिया इज कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज इंक्लूडिंग बोन मैरो। तो गाइस बोन मैरो हमने समझ ली है कहाँ पे है, बोन में है, तो मोस्टली ये लॉन्ग बोन्स में होती है। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम होगी तो उससे बहुत सारी ल्यूकीमिया डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक। तो हमने इसमें डिटेल में नहीं जाना, बस आपने ये याद रखना है कि ल्यूकीमिया इज रिलेटेड टू बोन मैरो एंड ल्यूकीमिया इज अ ब्लड कैंसर कॉज्ड बाय राइज इन द नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। तो जब वहां पर बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वहां से तो वाइट ब्लड सेल जो है वो नॉर्मली प्रोड्यूस हो गए, लेकिन अगर उसकी फंक्शनिंग इंपेयर हो गई है तो उसमें इम्प्रॉपर फॉर्मेशन शुरू हो जाती है वाइट ब्लड सेल की। तो वाइट ब्लड सेल जब बढ़ेंगे तो ऑब्वियस है वो रेड ब्लड सेल को बनने नहीं देंगे, प्लेटलेट्स को बनने नहीं देंगे, तो ये दोनों सेल तो बनेगी नहीं। तो आरबीसी के बिना ब्लड जो है वो हेल्दी नहीं होगा, तो इट मीन्स वाइट ब्लड सेल एक्सेस में बनने लगे और आरबीसी और प्लेटलेट की फंक्शनिंग को, फॉर्मेशन को इन्होंने खराब कर दिया। ओके, तो इट मीन्स कि जो ल्यूकीमिया है वो कहाँ पे होता है, बोन मैरो में, कैसे, जब वाइट ब्लड सेल एक्सेस में बनते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको ये फुल पॉइंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, हीमोफीलिया। तो गाइज ये क्या होता है, हीमोफीलिया एक इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर है दैट इंपेयर्स द बॉडीज एबिलिटी टू मेक ब्लड क्लॉट्स। तो गाइज हमें पता है कि नॉर्मली हमें प्लेटलेट्स चाहिए, जब हम कोई इंजरी हो गई है, ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, उसको रोकने के लिए क्लॉट कैसे बनता है हमने पढ़ा है। हीमोफीलिया में क्या होता है कि जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ब्लड में, ठीक है, जो वो प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसकी टाइप्स हैं, जैसे हीमोफीलिया ए है तो उसमें क्या होता है, म्यूटेशन इन द जीन फॉर फैक्टर 8, ठीक है, उस उनको फैक्टर्स होते हैं, उनके क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो क्लॉटिंग करते हैं, तो यहाँ पर डेफिशिएंसी होगी क्लॉटिंग फैक्टर की, तो ये नहीं बना। आफ्टर दैट इज हीमोफीलिया बी, जिसको क्रिस्मर डिजीज भी कहते हैं, रिजल्ट फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9 ड्यू टू म्यूटेशन इन द कॉरस्पॉन्डिंग जीन। तो गाइज यहाँ पर क्या हुआ कि जीन्स में चेंज आने की वजह से ये जो फैक्टर्स हैं अच्छे से काम नहीं कर पाते, इनकी फॉर्मेशन नहीं होती, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो क्लॉटिंग जो है वो इंपेयर हो जाएगी, वो बिगड़ जाएगी, तो उससे क्या होगा, ब्लड क्लॉट नहीं बनेंगे। तो गाइज जो हीमोफीलिया का पेशेंट है, अगर उसके माइनर नॉर्मल इंजरी भी हो जाए तो वो ब्लीडिंग से उसकी डेथ हो सकती है, तो उनको बहुत एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। ओके, तो गाइज दीज आर द डिजीजेस जिसमें हमने टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ा है, तो ल्यूकीमिया और हीमोफीलिया भी आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो गाइज अब हम बात करेंगे, मेंशन करे हैं एमसीक्यूज हम मेंशन करे हैं, तो गाइज ये आपको खुद सॉल्व करने हैं, एक बार आप इसको खुद सॉल्व करके देखना, और बाद में जो साथ में पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे हम, तो उसमें इसके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।
तो आप इसको खुद सॉल्व करो तो देखो कि आप कितने इसको सॉल्व कर पाते हो। तो आपको इससे लेवल भी पता चल जाएगा कि एमसीक्यूज का क्या लेवल आ रहा है एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये आपके हैं क्वेश्चन 1, 2, 3, तो टू मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आपने इनको ओके गाइस, तो पीडीएफ में इनके आंसर जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।